सो जरा एक्सप्लेन करें वो मेरी वाली टेक्निक के साथ कि किस तरह कौन सी कोलैबोरेशन चाहते हैं, उसका क्या फायदा मुझे क्या आपको क्या? जी अभी फिलहाल मैंने जो ब्रोकरेज कंपनी है बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टू द डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का मेरा थोड़ा बहुत पहले एक्सपीरियंस है काम किया थोड़ा सा थोड़ा एक्सपीरियंस। आप जो वर्ड यूज करेंगे मैं एक एक वर्ड सुनता हूँ जी। दो एक दो जी प्लस टू के टाउन ऑफिस थे और जी प्लस फोर की जी प्लस सिक्स की बिल्डिंग थी उसमें। तो अभी मैंने क्योंकि अपना कंपनी स्टार्ट की है और मार्केट भी बेहतर है और आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टू डेवलपमेंट, तो उसमें ये है कि अगर छोटा प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट किया जाए जैसे इंटरनेशनल सिटी फेज़ टू है तो उसमें कोई 6-8 मिलियन का प्लॉट आ जाएगा, कोई 16-18 मिलियन की उसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन उसकी हो जाएगी और ये 18 माह का प्रोजेक्ट होगा और प्रॉफिट इसमें 100% है, यानी जितना हम लगाएंगे हमें 18 महीने के अंदर। और इसमें अभी स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट कितने पैसे चाहिए? तकरीबन 8 मिलियन का हमारा अगर प्लॉट आता है तो हमें को जो है वो 10-12 मिलियन हमें और चाहिए होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि 20 मिलियन टोटल चाहिए बेचना स्टार्ट करने उस लेवल तक लेके जाने के लिए, और इसमें डबल है यानी जो जितना लगाता है हम ठीक है। और इसमें मुझसे क्या चाहते हैं? पैसा जी, पैसा चाहते सीधा पैसा जी, सिद्धा और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं और कुछ नहीं। तो अगर मैं नहीं देता फिर क्या करेंगे? आप खुद लगा रहे हैं इसमें कुछ? नहीं मेरे पास, क्योंकि मुझे मेरे पास खुद नहीं है, मगर मैंने मोर लेस 4-6 मिलियन ऑलरेडी मैंने लोगों से बात की भी है, हो सकता 8 मिलियन तक भी वो अवेलेबल है क्योंकि वो मेरे पुराने इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, सो अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ तो वो टीम को चेक करना पड़ेगा ना सारे नंबर्स, इफ आई डोंट डू इट व्हाट्स योर प्लान? अगर आप मेरे साथ करते हैं पहला नहीं, अगर मैं नहीं करता फिर क्या करेंगे? जी मैंने जैसे बताया कि 6-8 मिलियन के मेरे पास और इन्वेस्टर्स हैं, तो अभी मैं और लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे पास जैसे ही फिगर आ गया 20 मिलियन का देन आई विल स्टार्ट। ओके सो इट्स अ गुड थिंग आप ब्रोकरेज से इस तरफ आ रहे हैं, डेवलपमेंट आ रहे हैं, बट दिस इज काइंड ऑफ ट्रिकी एज वेल क्योंकि यहाँ पे आप कंपीट नहीं कर रहे अपने पाकिस्तानियों से, इंडियन से, यहाँ पूरी दुनिया के लोग बैठे हुए हैं, फिर एमआर बैठा हुआ है। डेवलपमेंट की जब बात करें, सी फॉर मी फॉर एग्जांपल मेरे पास J7 ग्रुप आता है जी, वो भी आपकी तरह ही आए बिल्कुल जी। हमारे इनके साथ डिस्कशन हुई है, वो कहते हैं कि 1 बिलियन हम लगा के बैठे हुए हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमने सिर्फ ये बेचना है तो कर लाँगे साहब किताब। वो एक डिफरेंट किस्म की, वो मेरे ख्याल में हमारे साथ उनका 27 को या 26 को इवेंट भी होने लगा है यहाँ पे, वो इसी किस्म की गैदरिंग होगी, जरा उसमें जरा हाई नेटवर्क जो लोग हैं वो आएंगे, बट इट्स मच इजियर फॉर मी यू अंडरस्टैंड। जहाँ पे पैसे की बात आती है अब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया, उन्होंने आपका चट्टा कट्टा पहले निकालना, कौन बंदा है, कितने का पल्ले कुछ है भी है या नहीं है, कितने प्रोजेक्ट्स पहले किए हैं, फिर इस प्रोजेक्ट का देखना है कि ये रियलिस्टिक है या नहीं, क्योंकि डेटा तो यहाँ पे मौजूद है ना, उन्होंने रिसर्च सारी करनी है कि जिस रीजन में आप कह रहे हो वो जो जहाँ पे प्रोजेक्ट होगा उसमें उतना कुछ निकल भी सकता है या नहीं निकल सकता, या भाईजान अंदाजे ला रहे हैं। तो उस सेंस में डू कनेक्ट विद माई टीम। और एक जो चीज़ होती है सोशल मीडिया का, मुझे जो एक तरफ मज़ा भी आता है दूसरी तरफ गालियाँ भी बड़ी पड़ती हैं, क्योंकि अभी मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ये भी क्लिप लगेगा, आप जरा देखिएगा नीचे जाके, स्टूडेंट लोग उनका काम ही कोई नहीं है, मैं 1000 दिरहम से ऊपर चढ़ता हूँ उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी, क्यों बात करते हो, यानी हमारे पास 1 लाख रुपया नहीं हमसे बनता तुम बिलियन की बात करना शुरू कर देते हो। लेकिन मेरे साथ जॉइंट वेंचर वाले भी ऐसे करते हैं, यानी आपसे बात हुई है फर्ज करें मैं नहीं करता, वो लॉजिक होगी ना उसके पीछे, क्राइटेरिया फुलफिल किया, मैं नहीं करता, भाईजान जानते हैं जाके कमेंट करना शुरू कर देते हैं, ए बंदा ही 2 नंबर है, काम भी नहीं करता, मौका ही नहीं किसी ने देता। सो रियलाइज होता ये मेरे जो पाकिस्तान में सारे पार्टनर्स थे जब मैंने प्रोजेक्ट 50 से ज़्यादा लॉन्च किए, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में मेरी गलतियां थी, यानी मैं इतने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं कितने डॉक्यूमेंट, पाकिस्तान के सिस्टम का मुझे क्या पता। तो बाज़ दफ़ा लोग भूल जाते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा कल यार यहाँ पे हमें मौका मिलेगा, फिर यहाँ पे मौका मिलेगा, पीपल थिंक ये जो एक प्रोजेक्ट है यही सब कुछ है। सो लेटर इवन इफ वी डोंट डू दिस लेट्स कनेक्ट।